हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ TDS के बारे में और TCS के बारे में। देखिए, TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ होता क्या है। देखिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मैं मान लेता हूँ कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और मेरे पास एक एम्प्लॉय है जिसको मैं 50,000 की सैलरी देता हूँ, तो इसका टैक्स लाइबिलिटी होती है टैक्स की 5,000 रुपीज़ की। तो ये 5,000 रुपीज़ मैं जो हूँ गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ अपने एम्प्लॉय की तरफ से। तो ये हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इससे ये होगा कि मैं क्योंकि एक सोर्स हूँ जो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ, तो मैंने ये डिडक्ट किया सोर्स के थ्रू। मतलब जो टैक्स हुआ वो सोर्स के थ्रू डिडक्ट हुआ और गवर्नमेंट को पे गया, यानी कि डायरेक्टली मेरे एम्प्लॉय ने जमा नहीं करा, कंपनी ने जमा करा एम्प्लॉय का टैक्स। तो ये हो गया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सेकंड है TCS। TCS हुआ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैं सपोज करता हूँ मैं सेलर हूँ और मैंने बायर को कुछ प्रोडक्ट बेचा 100 रुपये का, जिसपे टैक्स लाइबिलिटी थी 5%। तो मेरा 5% 5 रुपये का टैक्स बना। तो अमेजोन क्या करेगा, उसमें जो भी डिसाइडेड होगा स्टेट वाइज की इंटरेस्ट स्टेट वाइज, वो सब उसके हिसाब से उतना परसेंटेज 1%, 2%, 5% वो होल्ड कर लेगा और मेरे तरफ से एज अ सेलर के वो अमेजोन दिखाएगा कि ये सेलर है, इसका ये टैक्स का परसेंटेज मैंने गवर्नमेंट को जमा कर दिया है। तो बाकी का जो टैक्स होगा, जैसे मान लेता हूँ मैं 5 रुपीज़ का टैक्स पे उन्हें 1% डिसाइडेड था, उन्हें 0.5 पैसा जमा कर दिया। बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है टैक्स का, वो मैं खुद जमा करूँगा गवर्नमेंट को, जैसे जमा करते हैं।